बड़ी बड़ी परेशानी। 10 किलोमीटर चली असें इत्थे आना पौंदा अंगूठा लाने आस्ते, और असें आखदे महाराज मशीन गै नहीं चला दी, महाराज ये नहीं होता वो नहीं होता, असें बड़ी परेशानी सर, जां ते मशीनां दा कम्म बंद करो ते असें राशन इक जगह देओ। ओह्दे नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम है हमें कि हम किसी को फोन नहीं कर सकते हैं, और जो मशीन है यहाँ पर ये चलती नहीं है। जहाँ से ये मशीन बंद की है सर, तो जहाँ सा नेटवर्क इतने लाया जाए ताकि लोगों की परेशानी दूर हो जाए। 3-4 किलोमीटर जब आने के बाद राशन नहीं मिलता है तो सोचिए क्या समस्या सामने आती है, क्या फेस करना पड़ता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, जिला रियासी पंचायत साड़ी में वहाँ पे नेटवर्क नहीं आने की वजह से लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आ रहा तो मशीन नहीं चल रही, और मशीन नहीं चलेगी तो लोगों को राशन नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी समस्या निकल के सामने आ रही है। वहाँ के लोगों ने ये भी बताया है कि वहाँ पे जब 4-5 किलोमीटर जल हम चल के आते हैं, 3-4 दिन लगातार आते हैं, तो वहाँ पे आकर जब पता चलता है कि मशीन ही नहीं चल रही है, तो मशीन इसलिए जब पूछते हैं मशीन क्यों नहीं चल रही है, तो वहाँ पे जब डीलर कहता है कि यहाँ पे नेटवर्क का इशू है तो वहाँ पे मशीन नहीं चल सकती, तो मशीन नहीं चलेगी तो अंगूठा नहीं लगेगा, अंगूठा नहीं लगेगा तो राशन नहीं मिलेगा। तो वहाँ के जो लोगों को समस्या आ रही है, वहाँ के लोगों ने साफ तौर से कहा कि यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन या फिर नेटवर्क का इशू आ रहा है तो वहाँ पे बायोमेट्रिक नहीं होनी चाहिए, अगर नेटवर्क नहीं आएगा तो राशन कैसे लेंगे, राशन नहीं मिलेगा, तो लोगों के बहुत सारी समस्या आ रही हैं। ये समस्या जो है पंचायत साड़ी की निकल के आ रही है, लोग वहाँ पहाड़ों से दूर दूर से 3-4 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं, तो वहाँ पे आकर जब डिपो पर पहुँचते हैं तो, और वहाँ पे जब नेटवर्क का इशू आता है सामने, तो वहाँ पे उनको राशन नहीं मिलता, तो उनकी समस्या बढ़ती जा रही है। और वहाँ पे उन्होंने DC साहब से अपील भी की है कि ताकि वहाँ पे अगर नेटवर्क नहीं आ रहा तो ऐसे बिना अंगूठे लगाए हुए राशन देना चाहिए, ताकि 4-5 किलोमीटर से चलते हुए वहाँ पे आ रहे हैं, नहीं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्ट्रांग किया जाए, वहाँ पे नेटवर्क का जो इशू है वो ख़त्म किया जाए, ताकि वो भी लोग वहाँ के राशन ले सकें। ये समस्या निकल के आ रही है, आइए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सर हमने 2-3 दिन से यहाँ पर, कल भी आए थे यहाँ पर, लाइट की जो इतनी परेशानी है, यहाँ लाइट नहीं चलती है, जहाँ पर हम बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, जहाँ हमारी कोई सुनाई नहीं है, कोई हमारी सुनता नहीं है, यहाँ पर नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम है हमें कि हम किसी को फोन नहीं कर सकते हैं, और जो मशीन है यहाँ पर ये चलती नहीं है, इसको नेटवर्क चाहिए, यहाँ पर नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जहाँ तो टावर लगाया जाए जहाँ पर, तो हमें ये जो इसकी नेटवर्क की प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाए तो फिर हमारा जो काम है ठीक है। नहीं है, नहीं राशन तो है पर गुंठा भी लगेगा, तो राशन मिल सकता, गुंठा लाओ साहब कम से कम 9-10 किलोमीटर बिच जगह मैं दूर आना पौंदा, सारे में लाओ साहब कोई जगह कोई सेंटर बताता है। नहीं देखो वो तो आना पौंदा हूँ, जिथे असें राशन सेंटर रखे दा, अगर उत्थे मशीन चले तो अस इसी उत्थे भी थोड़े गुंठे लगाइए तो राशन दे सकते हो, मगर इत्थे भी तुस अगर आए, इत्थे भी नहीं अगर नेटवर्क होआ दा तो अस केह करचे। चंगी फाई असे मैं लो साहब जी मैं राशन रसिए देना ते गुंठा लाने उधमपुर जाना पिया। देखो असें मैं पिछले साल रियासी DC मैडम कन्नै ये गल हुई थी मेरी कि साढ़ा उत्थे एक कैंप बुलाया उन्हें 250 डीलर सेलमैन का, साढ़ा एक प्रोग्राम किया DC मैडम ने, तो मैं ये सवाल किया हा, उन्हें आख्या कि जो मशीन तोड़ देते हैं काम गुंठा लाने भी होगा थोड़ा स्टेशन पर, बाकी पिछले साल जैसे रियासी DC मैडम कन्नै साड़ी मीटिंग हुई, तो मैं इस थोड़े राशन स्टेशन के मुताबक उत्थे एक मसवाल किया DC मैडम कन्नै कि जियां साड़ा राशन सेंटर है ज्योतिपुर, तो साढ़े लोग ध्यानगढ़ कोला जां टंडल कोला पिछे दा आंदे न, ते गुठा लाना होंदा असें रियासी ते राशन देना पौंदा असें ज्योतिपुरा, ते सैम सिस्टम जेहड़ा साड़ा इत्थों दा इस साढ़े सेंटर राशन साड़ी दा इयै, हुण साड़ा की चारा है कि अज अगर इत्थे अस मशीन रखी इत्थे भी नेटवर्क नहीं आवा दा
जिथे अस राशन रखे उत्थे भी नहीं हूं अस करचे ऐसा करो मशीटा छंडो ते बाकी रौन लाश देना तो है ने खंदे तो है ने सारे मैं चोर जुड़ी मिली खाई लेंदे बाकी मैं देना तो है चोर बचारी ड्रामा बारे खी तुस लोग करी सकते ना कम करना करा गे इन्हें लोकें बाकी लोकें छोड़ो बाकी मैं अपने राशन के नौ तू दस किलोमीटर चली जाता राशन लगता करा कच्छ से बाकी जाना अंगूठा लेने जा पे दस किलोमीटर अस तो कुछ नहीं करी सकते अस ते कोई टावर अस नहीं लाई सकते इत्थे नेटवर्क अस कोई खिंची अस नहीं आनी सकते गवर्नमेंट का कम तुस बंद करो देना बंद करो इस मशीन बंद करो बिलकुल मैं कम से कम इस राशन चक्कर अज थोड़ा कल थोड़ा त्रै चार दिन तो मैं आंदे हुई गूंठा नहीं लगता बिलकुल भी आते गूंठा नहीं लगता टावर नहीं है सिग्नल नहीं है ये वो इस चीज के बारे में नहीं जानता है कि सी अस राशन लेने एड्डे दूर आने दो त्रै किलोमीटर चार किलोमीटर ते ना गै इत्थे गूंठा लगता है इत्थे बड़ी बड़ी परेशानी दस किलोमीटर चलिए असें इत्थे आना पौंदा गूंठा लाने वास्ते और असें आखदे महाराज मशीन गै नहीं चला दी महाराज ये नहीं आ दा ओह नहीं आ दा असें बड़ी परेशानी सर जां ते मशीनां दा कम्म बंद करो ते असें राशन इक जगह देओ ओह्दे छे छे किलोमीटर अट्ठ अट्ठ किलोमीटर चलिए असें भैं राशन लैने आना पौंदा और फिर ये जगह राशन थ्होंदा जगह असें ते छे किलोमीटर पैह्ले थ्होंदा ऐ तो ये बहुत परेशानी है महाराज असें राशन देखो जी इतने जी इतने जहां सा नेटवर्क इतना लाया जाए ताकि लोगों की परेशानी दूर हो जाए।